हेलो एवरीवन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन फिगर दिस डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, दिस डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, दिस डी एफ पैरेलल टू ओ आर। शो क्या करना है आपको, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, दिस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये आपको शो करना है। देखो तो सबसे पहले तो आप ये देख लेना है जो चीज़ भी गिवन है आपको, ठीक है, जो भी गिवन है उसको लिख लो। गिवन में जैसे ये डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, आप ये कंसिडर करो कि ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू ये पी ओ क्यू में आ रहा है ना, तो इसी तरीके से देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में देखो, गिवन जो चीज़ है आपके पास वो लिख लो पहले, तो क्या है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू है ओ आर। और टू प्रूव क्या करना है आपको, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले देखो डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू कौन से ट्रायंगल में आ रही है, पी ओ क्यू में आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, डी ई पैरेलल दे बता रखी है आपको क्या, ओ क्यू, ये क्या है गिवन। अगर ये गिवन है तो बाय बी पी टी आप क्या लिख सकते हो इसमें, तो इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन में ई क्यू। देखो पी डी अपॉन में डी ओ और पी ई अपॉन में ई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, कहाँ से आई है ये, बाय बी पी टी, क्लियर। ऐसे ही दूसरी देखो हमें क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर गिवन है, तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर ये दोनों लाइनें किस ट्रायंगल में आ रही हैं आपके पास, अगर देखा जाए तो पी ओ आर में आ रही हैं। तो देखो इन ट्रायंगल पी ओ आर ये है इसमें ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर ये चीज़ है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो बी पी टी में, कैसे, देखो इसमें भी वही लगाओगे आप, इस वाला ये वाला ट्रायंगल है ना आपके पास पी ओ आर, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, देखो पी एफ अपॉन में एफ आर, उसी पॉइंट पे आपने देखना होता है, ऐसे नहीं, जहाँ पर देखो ये डी एफ पैरेलल टू ओ आर था तो यही पी डी अपॉन में डी ओ पी एफ अपॉन में एफ आर, क्लियर है। ये भी कहाँ से आई है आपके पास, बाय बी पी टी, क्लियर। इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वही है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये राइट हैंड साइड वाली भी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे लिखोगे आप इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या जाएगा, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, क्लियर। अब देखो जरा पी ई अपॉन में ई क्यू देखो कहाँ है, पी ई अपॉन में ई क्यू और दिस पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है, ये देखो ध्यान से पी ई अपॉन में ई क्यू पी एफ अपॉन में एफ आर, ये पूरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर में अगर ये रेशो बन रही है पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, तो ऑब्वियस है ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा कि नहीं होगा बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी। तो आप देखो यहाँ पर पी बाई ई क्यू और इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर क्या लिखोगे, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर और दिस इज हेंस प्रूफ, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो पता है ना आपको, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर ही तो होता था कि ये रेशो गिवन होती थी हमें, और अगर ये रेशो किसी ट्रायंगल की गिवन है हमें और ये पता है कि इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि वो लाइनें भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। ये देखो ना जो हमारे पास आया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो आया पी ई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर, तो ये ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, और इसमें पी ई और ये है इधर पी एफ, तो ई और एफ ये वाली लाइन और ये थी क्यू आर वाली लाइन, ये दोनों क्या होंगी आपस में, पैरेलल होंगी, और ये तो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर। ओके, थैंक यू।